का तो हाय फ्रेंड्स, अब से कैसे है? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज हम हमारे ना कल ना हमारे घर में मिलाद है, तो हम उसके स्नैक्स के लिए हम बनाने वाले हैं रगड़ा पेटीज, या फिर आप उसको चाट भी बोल सकते हो कि वो चाट की तरह ही है। और फिर हमने इसके लिए ली है 2 kg बटाने, जिसको अभी हम सोक कर लेंगे। अच्छे से वॉश करेंगे, फिर हम ओवरनाइट इसको सोक होने देंगे, और कल हम आपको इसकी पूरी रेसिपी बनाएंगे, बताएंगे कि हम इसको कैसे बनाना है। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सित्रा की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो हम अभी बटाने को बॉइल करने रख देते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं है हमारे पास। तो ये हमने 2 kg बटाना लिया था, जिसको हमने अभी हाफ कुकर में डाल दिए हैं, और हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। 2 teaspoon हम सॉल्ट ऐड कर देंगे, और 1 teaspoon है टर्मरिक। बस अब हम इसे गैस पे रख के इसको हम 5 to 6 whistle ले लेंगे। गैस पे हमने इसको रख दिया, हम 5 to 6 whistle ले लेते जब तक अच्छे से बॉईल हो जाएगा। हमने आलू को भी बॉईल करने रखा है, हमने इसको ना पील कर लिया और कट करके हम इसे बॉईल कर रहे, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के, ताकि जल्दी से बॉईल हो जाए। ये बॉईल हो जाएंगे, फिर आपको आगे का बताते हैं। आलू हमारे अच्छे से बॉईल हो गए हैं, हम देख सकते हैं। इसको हम थोड़ा स्मैश कर लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 4 tablespoons कॉर्नफ्लावर, 1 teaspoon सॉल्ट, और 1/2 teaspoon हल्दी, और इन सबको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इनके हम फिर टिक्किया बना लेंगे। अच्छे से मैश कर लेते हैं, इसको थोड़े से कोथमीर पे ऐड कर देंगे, इससे खुशबू अच्छी आ जाएगी। फ्राई कर लिया, अब इसके थोड़े थोड़े छोटे छोटे टिक्किया बना लेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे हम, स्मॉल भी बनाएंगे। इसी तरह से हम सारे रेडी करके रख लेते हैं। हो गए हैं, हमने इनको इतना ही बॉईल किया, ज़्यादा नहीं बॉईल किया, एकदम से स्मैश नहीं किया, थोड़ा हमने खड़े खड़े रखे। अब हम इसको अपने दूसरे टोप में पलटी कर लेंगे, क्योंकि हमें और भी बॉईल करना है। अभी हाफ ही बॉईल हुए, हाफ से ज़्यादा बाकी हमें भी बॉईल करना है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं, सेकेंड टाइम में हमने डाल लिए हैं, और इसमें भी नमक और थोड़ा हल्दी डाल के अब इसको भी बॉईल कर लेते हैं। ये देखिए सारे रेडी हो गए हैं, अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो हमने अपना बड़ा वाला तवा ले लिया है, अब हम इसमें ऐड करते हैं ऑयल। ऐड करेंगे इसमें जीरा, और हम जल्दी से अपनी टिक्की रख देंगे, क्योंकि हमारा ऑयल इधर जा रहा है। इसको तो हम स्टॉपर की तरह बना लेंगे। ये हमने सारी इसमें ऐड करती है रख दी है, अब इसको एक तरफ अच्छे से गोल्डन फ्राई होने देंगे, फिर इसको हम टर्न करके दूसरी तरफ भी गोल्डन करेंगे। अब इसे टर्न कर लेते हैं, वन साइड ये हो गया है, तो दूसरे साइड टर्न कर लेते हैं, ये परफेक्ट कलर आ गया है एकदम। इसी तरह से हम सारे टर्न कर लेंगे। तब तक हमारा वो फ्राई हो रहा है, तब तक हम पल्प, इसकी इमली के पल्प निकाल लेते हैं और उसकी चटनी बना लेते हैं। तो हमने इमली को 1 घंटे के लिए सोक कर दिए थे, अब इसमें जो भी है उसको इस तरह से प्रेस करके उसको उसका सारा पल्प निकाल लेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी कलौंजी, 1 teaspoon। हमने इसमें थोड़ा सा गुड़ भी ऐड कर दिया है, और उसको हम अच्छे से पकने देंगे। ये जो भी टिक्कियाँ हमारी फ्राई हो गई है, मैंने निकाल लेते हैं। हम अपना बर्गर रेडी करते हैं, इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा ऑयल, जीरा, तवे पे हम आपको थोड़ा सा बना के दिखा रहे हैं कि तवे पे किस तरह से बनता है, और 70 to 80 people का हम अलग से बनाएंगे, उसका वीडियो भी बना रहे हैं।
अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 chopped onions, इसको सॉटे कर लेंगे। अब इसमें ऐड करते हैं टमाटोज चॉप किए हुए, इसमें ऐड करेंगे 2 green chilies चॉप की हुई, 1 teaspoon रेड चिली, 1 teaspoon क्रश जीरा पाउडर, 1 teaspoon सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट हमने अपने बटाने में भी डाला था तो थोड़ा ही डाल रहे हैं, और थोड़ा सा हम चाट मसाला ऐड कर देंगे इसके अंदर। और ये बहुत गाय गाय में बना रही हूँ इसलिए कैसे भी यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा चाट मसाला डाल दिए। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं, सब मसाले भून भी गए हैं अच्छे से। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने वटाने, बॉइल वटाने। ऐड करेंगे 1-2 tablespoons भरकर अपना जो हमने इमली की चटनी बनाई है वो इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा टैंगी भी हो जाएगा। और ये समझो हमारा रेडी हो गया है, बस हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार सब चीज़ों को। फिर हमारा जो साइड में पेटीज रखी हुई हैं, देख सकते हैं कि हमारे ये पूरे बटाने अच्छे से इसके अंदर मैश हो गए हैं अच्छे से। अब हम ये जो हमारी पेटीज रखी है अब इनको इस तरह से मिडल में लेंगे और इनको एक ऐसे कट मारेंगे और इसी तरह से हम मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। और ये हमारा रगड़ा पेटीज या चाट जो भी आप बोलो ये रेडी है, हम इसको इसी तरह से सर्व कर लेंगे। अभी हम इसको आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। हमने इसे पेटीज को अच्छे से मिक्स कर दिए, आप चाहे तो पेटीज को नीचे रख के उसके ऊपर वो वटाने डाल सकते हैं। हम जब शाम में आएंगे सब गेस्ट तो हम उनको वैसे ही सर्व करेंगे। ये हमने अभी इस तरह से वीडियो के लिए हमने इस तरह से कर लिया है, डिश आउट करते हैं। और डिश आउट भी अपने ये प्लास्टिक वाली अपने ये कागज़ वाले में करेंगे, जैसे कि हमें फील आए कि हम बाहर से ही खा रहे हैं तो हम यही वाली यूज़ करने वाले हैं। इसे देख के तो मुझे मुलुक वाली गांव वाली चाट याद आ रही है, सेम वैसे ही दिखने में लग रही है। तो खाने में देखते हैं कैसी होगी ये, अब जब शाम में गेस्ट आएंगे तो उनका फीडबैक वो क्या कहते हैं वो पता चलेगा, हमें शाम में उन्हें पसंद आती है कि नहीं पसंद आती है। इसे गार्निश कर लिया है थोड़े से कोथमीर और थोड़ी सी प्याज डाल के, और आप चाहे तो थोड़ी सी इसमें ऊपर से अपनी वो जो चटनी हमने बनाया है इमली की उसको भी थोड़ा और ऐड कर सकते हैं हम, तो थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं, इससे और फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। इसमें भी ऐड कर देते हैं और ये हमारा रेडी हो गया है। हमने इसको गार्निश कर लिया और आपका भी पक्का खाने का ये मन हो ही रहा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए जब मेरी फर्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। चलिए हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने जा रहे हैं तो हम इसमें ऐड करते हैं 1 cup तक ऑयल। सेम उसी तरह बनाएंगे जैसे हमने तवे पे बना के दिखाया। अब हम बनाएंगे 70-80 पीपल का, इसमें हमने सारी क्वांटिटी ज़्यादा ले ली है, इंग्रेडिएंट सारे वही हैं, सिर्फ हमने क्वांटिटी इसमें बढ़ा दी है। ये रगड़ा भी हमारा रेडी हो गया है, हमने सारी पेटीज को छोटे बॉल्स में निकाल ली हैं, अब इसके ऊपर हम रगड़ा सर्व कर रहे हैं और उस पर हम थोड़ी सी कोरिएंडर और प्याज डाल के उसे हम लोगों को देंगे। बहुत अच्छा लग रहा है।